दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऐसी प्रतिमा लगाई गई है जो अगले 100 साल तक ऐसी ही दिखेगी जैसे आज दिख रही है। 28 फीट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट के पास लगाई गई है। नेताजी के स्टैचू की जो तस्वीर सामने आई है वो काफी भव्य लग रही है। ग्रेनाइट स्टूडियो इंडिया के MD रजत मेहता के अनुसार नेताजी की प्रतिमा को 280 मीट्रिक टन वजन वाले ग्रेनाइट के एक अखंड ब्लॉक से उकेरा गया है, यानी नेताजी की ये मूर्ति एक ही पत्थर पर तराशी गई है। ये प्रतिमा नेताजी की होलोग्राम वाली स्टैचू की जगह लेगी। 65 मीट्रिक टन के वजन वाली ये मूर्ति अगले 100 साल तक बिना क्षतिग्रस्त हुए खड़ी रहेगी। भूकंप तूफान को ये आसानी से झेल सकती है। मार्बल में कहीं भी किसी तरह का कोई कट नहीं है। 14 दिनों में इसे तेलंगाना से दिल्ली लाया गया। हालांकि ये आसान काम नहीं था। मार्बल लाते वक्त ट्रक के लगभग 34 टायर फट गए थे। नेताजी की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में तकरीबन 26,000 इंसानी घंटे लगे और इनमें कलात्मकता से कोई समझौता नहीं किया गया। सभी ने अपनी कला का उत्तम प्रयास करते हुए ये शानदार प्रतिमा बनाई। संस्कृति मंत्रालय की माने तो तेलंगाना के खम्मम से नई दिल्ली तक 1,665 किलोमीटर की यात्रा के लिए इस विशाल ग्रेनाइट पत्थर के लिए 140 पहियों वाला 100 फुट लंबा ट्रक विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, वहां कभी ब्रिटेन के महाराजा किंग जॉर्ज पंचम की एक मार्बल की मूर्ति हुआ करती थी। 1939 में लगाई गई उस प्रतिमा को आज़ादी के बाद वहां से हटा दिया गया था और 1968 से ये छतरी खाली है। ये प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है जहां बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी को इस साल की शुरुआत में नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। प्रधानमंत्री ने 21 जनवरी को आश्वासन दिया था कि इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी की एक भव्य प्रतिमा को राष्ट्र के ऋण के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।